हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल शिल्पीज किचन में। सुबह की भाग दौड़ में बच्चों का टिफिन के साथ बहुत सारा काम होता है, तो आज एक ऐसी रेसिपी जो कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगी, एकदम हेल्दी है। वीडियो क्या है लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो बेल आइकन, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। चलिए आज की रेसिपी देख लेते हैं। आज की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ मैंने ली है एक कटोरी सूजी। भाई सूजी सभी के घर में होती है, तो मैंने आज की रेसिपी इस सूजी से बना रही हूँ। ये सभी के घर में रहती है और बच्चों के टिफिन के लिए नाश्ता एकदम परफेक्ट है। मोटी पतली कैसी भी सूजी आप यहाँ ले सकते हैं। एक कटोरी सूजी में यहाँ हम डाल रहे हैं एक कटोरी दही। दही खट्टा होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस रेसिपी में दही बहुत ही बढ़िया काम करता है और डिश हमारी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनती है। दही के साथ ही एक ही कटोरी हम इसमें डाल देते हैं पानी। ये देखिए पूरा एक कटोरी इसमें पानी डल जाएगा। अब इन चीज़ों को अच्छे से कर देते हैं मिक्स और अच्छे से इसको फेंट लेते हैं, जिससे दही के साथ सूजी एकदम से मिक्स हो जाए। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट रहेगा। देखिए कितनी जल्दी सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं। ध्यान रखिए गुठली नहीं बसनी चाहिए दही की। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। नमक डालने के साथ ही हम इसको कुछ देर के लिए कवर कर देते हैं, जिससे ये अच्छे से फूल जाए। जब तक सूजी हमारी फूल रही है, तब तक यहाँ हम बना लेते हैं चटनी। यहाँ मैंने लिया है थोड़ा सा नारियल, अदरक का छोटा सा टुकड़ा, दो डाल देते हैं हरी मिर्च, थोड़े से पीनट के दाने, ये रोस्टेड पीनट के दाने हैं, थोड़े से भुने हुए चने, नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार, एक टेबल स्पून दही डालकर इसको पीस लेते हैं। लीजिए चटनी हमारी तैयार। तड़का हमारा गरम हो करने के लिए मैंने यहाँ ले ली है एक चम्मच ऑयल में चने की दाल मैंने डाल दिया। थोड़ी सी डालेंगे राई, राई के चटकते ही हम डाल देंगे इसमें लाल मिर्ची। अब इस तड़के को इस चटनी में डाल देंगे। लीजिए हमारी यमी सी चटनी बनकर तैयार हो गई है। आप इसमें हरा धनिया करी पत्ते भी डाल सकते हैं। अब हम अपना बैटर देख लेते हैं। देखिए बैटर हमारा अच्छे से फूल गया है, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो हम इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं पानी। ये देखिए ये हमें इसकी बहुत ज़्यादा पतली कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, थोड़ी सी थिक ही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब इस सूजी में मैंने यहाँ लिया है एक टी स्पून से भी, देखिए कितनी छोटी सी टी स्पून है, इतना ही हम डाल देते हैं मीठा सोडा। आप यहाँ पर मीठे सोडे की जगह यहाँ पर आप इनो का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने आज इनो का प्रयोग नहीं किया है, मैं आज इसमें यही डालूंगी। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ये थोड़ा सा हल्का हो जाएगा वेट में। अब यहाँ हमने ले ली हैं कुछ सब्जियाँ। एक मीडियम साइज की प्याज ले ली है, एक गाजर जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, एक मीडियम साइज का टमाटर, चॉप की हुई हरी मिर्च। आप सब्जियाँ अपने पसंद की इसमें बड़ा और घटा सकती हैं। अगर प्याज खाना चाहें तो प्याज, नहीं खाती तो स्किप कर सकती हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। ये देखिए ये आ गया टमाटर, प्याज और ये आ गई हमारी हरी मिर्च। साथ में मैंने यहाँ ले ली है गाजर, गाजर को मैंने यहाँ कद्दूकस किया हुआ है। इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इससे क्या होगा, बच्चों के टिफिन बॉक्स में हम अलग से सब्जियां रखने की जगह इसी नाश्ते के जरिए हम बच्चों को खिलाएंगे, तो बच्चे बड़े स्वाद लेकर खाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून के करीब
ब्लैक पेपर, एक टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ ओरिगेनो। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, इसे क्या बच्चों का जो टेस्ट है ना, मार्केट वाला इसमें टेस्ट आ जाएगा। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आज की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है तड़के का पैन। आप जो भी पैन चाहें ले सकते हैं, और इसको क्योंकि ये थोड़ा सा मेरा डिसबैलेंस हो रहा है तो मैंने यहाँ लगा ली है कटोरी। अब अच्छे से ग्रीस करने के बाद हम इसमें जो बेस बनाकर रखा था ना वो इसमें डालते जाएंगे। मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून के समथिंग ये बेस डाला है, और इस बेस को हम कवर कर देंगे इस तरीके से। जब ये ऊपर से पक जाएगा तो हम फिर से ऑयल इसके ऊपर लगा देंगे इस तरीके से। थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा दीजिए, फिर हम इसको पलट देंगे। देखिए कितने आसानी से ये पलट गया। दोनों ही तरफ से हम हल्का हल्का ब्राउन इसको कर लेंगे। देखिए दोनों ही तरफ से इस तरह से ब्राउन हो जाएगा। अब इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरा एक बार और बनाते हैं। पहले ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। पैन में 2 टेबल स्पून हम बेस डालेंगे इस तरीके से। 2 टेबल स्पून से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालेंगे, और डिपेंड करता है पैन आपका कितना बड़ा और छोटा। कवर कर देंगे। ऊपर से पक जाने के बाद हल्का सा ऑयल लगाएंगे, उलटते पलटते इसको दोनों तरफ से ब्राउन कर लेंगे। इसी तरह सारे बना लेते हैं। इस तरह से हम प्लेट में रखते जाते हैं। देखिए कितने मस्त बनकर तैयार हुए हैं। लीजिए सारा ही नाश्ता बनकर हो गया है तैयार, और साथ में आ गई है ये इसकी चटनी। देखने में कितना इंटरेस्टिंग नाश्ता बनकर तैयार हो गया। कोई भी नहीं पहचान पाएगा इस नाश्ते को हमने कैसे बनाया और किस चीज़ में बनाया। देखिए कितना मस्त बना है। ध्यान रखिए पैन का तला थोड़ा भारी होना चाहिए। अगर तला भारी नहीं है तो आप उसके ऊपर कोई भी जाली या स्टैंड आप रख सकते हैं। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए अंदर का इसका लुक आप देख सकते हैं, कितनी सब्जियाँ इसमें भरी हुई हैं। एकदम गरम गरम बनकर आप देख सकते हैं इसमें से कैसे धुआं निकल रहा है। आप चटनी के साथ, सॉस के साथ कैसे भी इसको खा सकते हैं। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। गुड बाय।